जमा पूंजी यानी जमीन बेचकर मिले पैसे लेकर नागपुर आए एक शख्स के चोरों ने 6 लाख रुपए उड़ा लिए। ताज्जुब की बात तो यह है कि मामला दर्ज होने के महज 3 घंटे के भीतर ही कोतवाली पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश कर सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 5,51,000 रुपए का माल एवं 47,200 के 2 एप्पल और रियलमी कंपनी के मोबाइल जब्त किए हैं। सावनेर से विजय केशव निखारजी नागपुर आए हुए थे। आपको बता दें कि वे सावनेर में अपनी 7 लाख की जमीन बेचकर पत्नी से झगड़ा कर वे नागपुर में अपने पुराने मकान में रह रहे थे। इसी दौरान घर के सामने गणपति पंडाल लगा हुआ था। आपको बता दें कि 7 लाख में से विजय केशव निखारजी ने 1 लाख रुपए अपने पर खर्च कर दिया और बाकी के बचे 6 लाख रुपए की तकिया बनाकर उस पर वह सोने लगा, जिसकी भनक शायद उसके इर्द गिर्द रहने वालों को लग गई थी। गौरतलब रहे कि 29 अगस्त की रात जब वे अपने घर में सो रहे थे, तभी 4 आरोपियों ने उनके घर में धीरे से दबिश देकर उनके 6 लाख की तकिए पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने 31 अगस्त को कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। गौरतलब रहे कि कोतवाली पुलिस ने भी इस कार्रवाई पर तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के अंदर ही 4 आरोपियों को गिरफ्त में लेकर उनसे 5,58,000 रुपए का माल जब्त किया, जिसमें 47,000 रुपए के 2 मोबाइल का समावेश था। दिनांक 28/8/2022 रोजी फिरियादी नामे विजय केशव निखाळजे वय 50 वर्ष राहणार सावनेर हे त्यांच्या घरून त्यांनी जमीन विकली होती त्याचे पैसे घेऊन 7 लाख घेऊन आले होते नागपूरला शिवाजीनगर येथे। त्यांचं तिथं जुनं घर होतं, तिथ्या परिसरात एखादं घर शोध राहण्यासाठी शोधत होते। 29/8/2022 रोजी ते 11 वाजता त्यांच्या जुन्या घराच्या समोर गणपती बसणार होता त्या मंडपामध्ये, उघड्या मंडपामध्ये पैशाची बॅग घेऊन, त्या बॅगेमध्ये अंदाजे 6 लाख रुपये होते। ते उघड्या मंडपामध्ये झोपले होते। त्यांना अंदाजे 1:30 रात्रीच्या जाग आली तर ती त्यांची बॅग दिसून आली नाही। त्यांच्या तक्रारीवरून पोस्टेला 223/22 कलम 379 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लगेच गुप्त बातमीदाराच्या माहितीने तपास पथकाने अतिशय मेहनतीने दोन्ही तपास पथकाने पोस्टेच्या आरोपी ताब्यात घेतले। आरोपी ताब्यात प्रथम आरोपी रोहित मंगलसिंग चौहान व 21 वर्ष राहणार शिवाजीनगर याच्याकडून नगदी 1,01,000 व त्यांनी त्या पैशातून चोरीच्या पैशातून 47,200 रुपयाचे मोबाईल विकत घेतले होते। त्यानंतर इतर त्याच्यासोबतचे जे 3 साथीदार आहेत कुणाल उर्फ चोक्या प्रभाकर डगवार व 22 वर्ष राहणार शिवाजीनगर, तिसरा आरोपी अभिषेक राजू तांबूसकर व 21 वर्ष राहणार शिवाजीनगर, चौथा आरोपी गौरव उर्फ गुड्डू लक्ष्मण नागपुरे व 24 वर्ष राहणार शिवाजीनगर, या तिघांकडून एकूण प्रत्येकी त्यांच्या हिश्श्याला वाटून आलेले 1.5 लाख रुपये हे सर्व पैसे आपण जप्त करण्यात आले। एकूण चोरी 6 लाखाची होती, त्यापैकी अगदी तत्काळ 5,98,200 रुपयाची आपण जप्ती करण्यात आली आहे। सदरचा तपास हा माननीय DCP सर गजानन राजमाने सर, तसेच ACP सर कोतवाली सुर्वे सर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोतवाली साहेब, तसेच गुन्हे पोनी अरविंद पवार सर, तपास पथकात दोन्ही तपास पथकाचे अंमलदार सुखदेव मडावी ASI सुखदेव मडावी, पोहवा वामन ठोंबरे, पोहा रविकांत काटे, NPC प्रसन्न दापूरकर, पंकज बांद्रे, PC हरिश्चंदन खेडे, अमित तिवारी, आशिष पवार, विशाल पांडे, चेतन उत्खेडे, PC विवेक भोयर, सागर सखदेव, उमेश कुलसुंगे, तसेच PC केशव पराडकर यांच्या अतिशय मेहनतीने हा तपास झालेला आहे। संपूर्ण रिकवरी आहे या गुन्ह्यामध्ये। आरोपियों में रोहित मंगल सिंह चौहान, गौरव शंकर नागपुरे, कुणाल प्रभाकर डगवारे, अभिषेक राजू तांबूसकर, ये सभी आरोपी लगभग 20 से 22 वर्षीय बताए जा रहे हैं। ये कार्यवाही कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक नवनाथ देवकाते के मार्गदर्शन में की गई। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।